Hello dear students, welcome to my YouTube channel in tech education. Here we will study applied physics for polytechnics and engineering. Here I will start with first unit of applied physics, unit 1, units and dimensions. और जो जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो टॉपिक्स इस तरह से हैं. फर्स्ट टॉपिक इज क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. सेकंड है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. थर्ड वन इज रोल ऑफ फिजिक्स इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. देन फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स. लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनन. तो ये वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम नेचर और नेचुरल फेनोमिनन के बारे में स्टडी करते हैं. प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटित इवेंट्स को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आता है ऑल द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल इवेंट्स. जो इवेंट्स, जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही हैं उन्हें नेचुरल इवेंट्स कहा जाता है. मैनी नेचुरल फेनोमिनन आर हैपनिंग अराउंड अस. बहुत सारे नेचुरल फेनोमिनन हमारे आसपास घटित हो रहे हैं और उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं. फ्लोइंग ऑफ वाटर, फ्लोइंग ऑफ विंड्स, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, एंड देन अकरेंस ऑफ डेज एंड नाइट्स, स्टार्स इन द स्काई, प्लेनेटरी सिस्टम. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फेनोमिनन और इवेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस. और इन सभी नेचुरल फेनोमिनन को स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है. जैसा कि डेफिनेशन में यहाँ पर कहा गया है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स. लेट अस स्विच ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस की गई हैं जो कि वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं. और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहली ब्रांच ऑफ फिजिक्स से. फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हेयर इज मैकेनिक्स. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द फोर्स बिहाइंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से स्टडी करते हैं और उसके पीछे जो फोर्सेज हैं उनके बारे में हम स्टडी, बिना उसका कारण जाने हम उनका स्टडी कर सकते हैं. कई बार उनका कारण भी स्टडी कर सकते हैं कि किस फोर्स के कारण जो है बॉडी में मोशन है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज द ब्रांच विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स, जिसे कि मैकेनिक्स कहा जाता है. और मैकेनिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू, जैसे कि मैकेनिक्स को दोबारा दो ब्रांचेज में क्लासिफाइड किया गया है. और वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, वन ब्रांच इज क्लासिकल फिजिक्स एंड अदर ब्रांच इज क्वांटम फिजिक्स. तो देर आर टू ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, को न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है. और क्वांटम फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, क्योंकि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड एटम एंड द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, उनके मोशन को जब स्टडी करते हैं तो दैट कम्स अंडर क्वांटम फिजिक्स के अंडर वो आता है. चलिए सेकंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स पे चलते हैं, थर्मोडाइनमिक्स. थर्मो टर्म का मीनिंग होता है समथिंग रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर. तो इसी तरह से इसका डेफिनेशन है, थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड रिलेशन ऑफ हीट एंड वर्क. तो थर्मोडाइनमिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम स्टडी करते हैं हीट एंड रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क. मीन्स हाउ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट को किस तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है थर्मोमीट्री. अंडर थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. तो थर्मोमीट्री भी थर्मोडाइनमिक्स के अंडर आता है और इसमें हम हीट और टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं. दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स Also deals with the modes of transfer of heat. आते हैं कि हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है. तो उसके थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम आगे इसमें स्टडी करेंगे, दैट इज कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है आपका एकॉस्टिक्स. और एकॉस्टिक्स इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द साउंड. साउंड का स्टडी करना है, इफेक्ट्स रिलेटेड टू साउंड को स्टडी करना है. कौन कौन से इफेक्ट, जैसे कि इको आ गया आपका, रेवरब्रेशन ऑफ साउंड आ गया, या ट्रांसमिशन ऑफ साउंड आ गया, या फिर क्रिएटिंग बेस्ट साउंड इफेक्ट्स इन द पब्लिक बिल्डिंग्स. दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स. लेट अस स्विच ऑन टू नेक्स्ट ब्रांचेस. एंड हियर द नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्टिक्स. एंड व्हाट इज ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड प्रोपिगेशन.
दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इंक्लूड्स स्टडी ऑफ वेरियस फेनोमेनन ऑफ लाइट लाइक ओके, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, कि यहाँ पर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में, लाइट से रिलेटेड जितने भी फेनोमिनन हैं उनको हम ऑप्टिक्स ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। जैसे कि लाइट से रिलेटेड फेनोमिनन कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्शन है या फिर रिफ्रैक्शन है या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये सारे जो है फेनोमिनन लाइट से रिलेटेड है, तो ये ऑप्टिक्स ब्रांच के अंडर आते हैं। ऑप्टिक्स आल्सो टेल्स अस अबाउट मिरर एंड लेंसेज, तो ऑप्टिक्स में ही हम मिरर और लेंसेज के बारे में स्टडी करते हैं, एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स थ्रू देम, और उनके थ्रू जब लाइट वेव प्रोपेगेट होती है तो उसके बारे में हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहा जाता है, तो दिस इज सिंपली यहाँ से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सॉरी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, इसकी स्टडी करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट्स की स्टडी करते हैं, एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट्स। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, एंड देन आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म किस तरह से बनाया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स का मीनिंग है कि मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, तो ये सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर स्टडी करते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है, सिक्स्थ लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एज क्लियर, एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो दैट कम्स अंडर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स उसको कहा जाता है। ओके, एटॉमिक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एटम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम्स की स्टडी करते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। एटम्स में आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स, एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सारा स्टडी जो है वो एटॉमिक फिजिक्स के अंडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर। एक्चुअली मॉलिक्यूल जो कब बनता है, दो और दो से ज़्यादा एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी फिक्स्ड रेशो में जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल कम्स अंडर द टॉपिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो इसे हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ओके, या तो यहाँ पर हम थोड़ा रिलेशन पढ़ेंगे फिजिक्स का वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के साथ। तो द कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस मैकेनिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। ओके, कौन कौन से कंसेप्ट का जिक्र किया गया है, फोर्सेस का, मैकेनिक्स का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और इलास्टिसिटी का जिक्र किया गया है। ये सारे फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं एंड आर यूज्ड बाय सिविल इंजीनियर्स इन डिजाइनिंग बिल्डिंग ब्रिजेस डैम्स, और इन कंसेप्ट का यूज सिविल इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, कहाँ पर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फिर डैम्स या रेलवे रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए फिजिक्स के इन कंसेप्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग की जाती है, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, तो वो सारा जो है दैट इज डन बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन फिजिक्स। तो वो सारा किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे सारा वो बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूजेस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कहाँ पर फिजिक्स का यूज करते हैं, विच एक्सप्लेन्स नेचर ऑफ मैटर। फिजिक्स के कंसेप्ट में हम नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन करते हैं, मटेरियल्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनके मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, और ये सारे कंसेप्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं, और किस लिए यूज किए जाते हैं, इन क्रिएटिंग इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड व्हीकल्स बनाने के लिए इन कंसेप्ट का यूज किया जाता है। आगे आ जाता है आपका बाई यूजिंग द नॉलेज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो किसका यूज करके, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के जो फोर्सेज
आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है. ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स आर डिजाइनिंग न्यू मोर एफिशिएंट व्हीकल्स. तो इसका यूज जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के द्वारा किया जा रहा है और अच्छे व्हीकल्स को बनाने में. नेक्स्ट आ जाता है आपका फिजिक्स इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग हार्डवेयर फॉर कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स का हार्डवेयर कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी फिजिक्स का यूज किया जाता है. ओके तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स आती है, एक ब्रांच है फिजिक्स की सेमीकंडक्टर फिजिक्स. उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम स्टडी करते हैं और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और यही जो है आपके एक कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं या फिर कंप्यूटर को असेंबल करने में इन कंपोनेंट्स जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जो भी लगते हैं दैट ऑल आर बिल्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स. एंड वी हैव अ ब्रांच ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट हम आते हैं नॉलेज ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स मैग्नेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. ये सारे फिजिक्स के कंसेप्ट हैं. कौन कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मैग्नेट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर आपका सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट हो गया. तो ये कंसेप्ट कहाँ पर यूज होते हैं, आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में. ये सब्जेक्ट आपके यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में. ओके आगे और है द कंप्यूटर्स यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द सिग्नल्स वर्क ऑन द फिजिक्स प्रिंसिपल्स. तो जो कंप्यूटर्स सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं दे आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. एंड नेक्स्ट वन आई हैव हियर फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है आर द केबल्स, ऐसी कभी केबल्स होती हैं कंटेनिंग ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर्स दैट कैन बी कैरिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल्स में आपका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या किसी सिग्नल को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है. ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर इज ट्रांसमिटेड थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर केबल. इसका बोलने का मतलब है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो भी फिजिक्स की ही देन है और उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैवल करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है सिग्नल की, ताकि उसमें सिग्नल वेस्टेज नहीं होता है और सारा सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसमिट किया जा सकता है. तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स के हैं. ओके नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज की से कहा जाता है. What are physical quantities? So all those quantities, yeah, all the quantities in terms of which the laws of physics are described are called physical quantities. वो सभी quantities जिनकी terms में laws of physics को describe किया जाता है उन्हें हम physical quantities कहते हैं. These quantities can be measured directly or indirectly. इन quantities को हम directly or indirectly measure कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास F is equal to एक लॉ है, वेरी फेमस लॉ है आपके पास यहाँ पे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए है और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. तो यहाँ पर फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है. तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. वो क्वांटिटीज जिनकी टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब किए जाते हैं उन सभी को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है. एंड दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यहाँ पर एग्जांपल्स लिए गए हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे एग्जाम्पल हैं फिजिकल क्वांटिटीज के. इन सबको जो भी चीज़ें हम नाप सकते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. यहाँ पर आता है फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की हैं आपकी, फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और पहली क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड क्वांटिटी है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके नाउ व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसे कहा जाता है, दोज क्वांटिटीज, इस डेफिनेशन को देखते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज. वो क्वांटिटीज जिनको दूसरी क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. उनको जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है जिनको कि किसी दूसरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. और यहाँ पर हमारे पास सात बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं.
तो सबसे जो बेसिक क्वांटिटीज हैं तीन जो कि हम पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम आर द थ्री बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये आपका तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इस पॉइंट को ध्यान रखें कि हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑल। तो तीन तो हो गई आपकी, मास, लेंथ एंड टाइम, और इसके अलावा चार कौन सी हुए, और चार कौन सी हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। एक है आपका टेम्परेचर, एक है आपका करंट, एक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक है आपका यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये वो क्वांटिटीज हैं, सात क्वांटिटीज हो गई है, मास, लेंथ, टाइम एंड देन टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। एंड इसके अलावा दो और क्वांटिटीज हैं जिनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है, और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं। और ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो हमारे पास कुल मिलाकर के सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और दो उनमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। पहला टाइप हमने कर लिया, हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और फर्स्ट टाइप था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकेंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको कि किसकी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, या सिंपली आप बोल सकते हैं वो सभी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव होती हैं उनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कहा जाता है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए गए हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज के, एरिया है, वॉल्यूम है, या फिर स्पीड है, डेंसिटी है, एटसेट्रा। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि स्पीड किस तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो इसलिए ड्राइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखना हो तो डिस्टेंस इज लेंथ, एंड लेंथ अपॉन टाइम, इट इज एक्चुअली लेंथ अपॉन टाइम। तो सो इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। डिस्टेंस जो है वो दो क्वांटिटीज से ड्राइव हो रहा है, एक हो रहा है आपका लेंथ से, और लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम से ये डिवाइड हो रहा है। सो इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी बिकॉज इट इज यूजिंग टू बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर यूज हुई है, एक लेंथ यूज हुआ है और एक टाइम यूज हुआ है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप सबको पता ही होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बट वेदर इट इज लेंथ, वेदर इट इज ब्रेड्थ, वेदर इट इज हाइट, ऑल आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स ऑफ ऑल दीज यूनिट्स आर, इन सबके एसआई यूनिट्स जो है वो मीटर है, तो ये सभी लेंथ में आएंगे। तो बेसिक क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर क्या है आपका, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ है। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसे हुआ, क्योंकि इसमें लेंथ को तीन बार यूज किया गया है, तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इट इज ड्राइव्ड बाय यूजिंग लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज चूजन स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेकन एज रेफरेंस टू मेजर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट चूजन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ। ओके, यूनिट बहुत सिंपल है समझना, यूनिट किसे कहा जाता है, किसी भी चीज को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट को वन यूनिट मान लिया जाता है। जैसे कि आपका वन किलोग्राम जो है वो फिक्स होता है, या फिर आपका वन मीटर लेंथ जो है वो फिक्स होती है। तो ये जो वन किलोग्राम या वन मीटर लेंथ है इसको यूनिट ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। और अगर आपने किसी चीज़ का वेट करना है तो हम ये निकालते हैं कि वो कितने गुना है एक किलोग्राम के। जैसे कोई 10 किलोग्राम क्वांटिटी है तो वो एक किलोग्राम के 10 टाइम्स होगी, या फिर कोई लेंथ है तो 10 मीटर लेंथ है तो वो एक मीटर लेंथ का 10 गुना होगी। तो यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अब आप इसको फिर से देखिए, इज अ चूजन स्टैंडर्ड अमाउंट, एक स्टैंडर्ड अमाउंट चूज कर लिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि इतना है अमाउंट। जैसे कि 1 किलोग्राम फिक्स कर दिया जाता है, और या फिर 1 मीटर फिक्स कर दिया जाता है। आगे देखिए, टेकन एज रेफरेंस टू मेजर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट चूजन, तो इसको जो है वो रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। टोटल क्वांटिटी मेजर करने के लिए इसका रेफरेंस लिया जाता है कि भाई ये लेंथ जो है वो एक मीटर की कितने टाइम्स है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया गया है, फॉर एग्जाम्पल 4 kg मास मीन्स
टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मास इज इक्वल टू 4 times द चूजन स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मास फॉर मेजरमेंट. ओके, तो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास कोई 4 किलो क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी 4 kg है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने 1 किलो स्टैंडर्ड यूनिट है मास का, 1 kg जो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो ये जो आपके पास 4 kg अमाउंट है ये उस 1 kg का 4 times है. और यहाँ पर वी कैन से दैट 4 times द यूनिट्स ऑफ मास है ये. ओके, जैसे 5 meter लेंथ है, इसका मतलब है कि जो लेंथ का स्टैंडर्ड है 1 meter, लेंथ का जो यूनिट है 1 meter, जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं वो उस 1 meter के 5 times है, तो इस लेंथ को जो है वो 5 meter कहा जाएगा. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आता है आपका यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पहले लेते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड्स न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट. बहुत सिंपल है, किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसमें 2 values आती हैं. एक आता है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा आता है इसका यूनिट. और यूनिट का डेफिनेशन तो हमने कर लिया, यूनिट इज चूजन स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेकन एज रेफरेंस. तो यूनिट जो है वो चूजन स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसको कि रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, दैट इज टेकन एज रेफरेंस. एंड न्यूमेरिक वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ चूजन स्टैंडर्ड अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. बोलने का मतलब कि इसमें जो यहाँ पर जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि 5 kg है, तो 5 उसमें न्यूमेरिक वैल्यू है और उसको मल्टीप्लाई किया है केजी, और केजी उसमें उसका यूनिट है. जैसे कि यहाँ पर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन इंटू यू. तो यहाँ पर एन जो है वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है और यू जो है वो उसका यूनिट है. वेयर एन इज अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं m इक्वल टू 10 kg, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, वेयर 10 इज न्यूमेरिक वैल्यू है और kg जो है वो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट स्मॉलर द यूनिट लार्जर विल बी द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. तो ये भी इस बात का ध्यान रखें कि जितना हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर होता है उतना उसका न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ता जाता है. जैसे कि 1 kilometer लिया है सबसे पहले, उसको हम इक्वेट करते हैं 1000 meter के बराबर होता है. 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter, दैट इज किलोमीटर आपका बिगर यूनिट है जबकि मीटर छोटा यूनिट है. तो अगर आप मीटर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1000 हो जाता है, जबकि अगर आप यूनिट जो है वो किलोमीटर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर 1 रहता है. इसका मतलब है कि 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter. इट मीन्स कि आपका अगर मेजरमेंट का यूनिट जो है किलोमीटर, अगर वो बड़ा है तो न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ छोटी रहेगी, और अगर आप यूनिट छोटा लेते हो तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पर जो यूनिट लिया गया सेंटीमीटर लिया गया वो और भी छोटा है, तो इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू 1000 × 100 हो जाएगी. और अगर आप सेंटीमीटर की बजाय मिलीमीटर्स लेते हैं तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है 1000 × 100 × 10 हो जाएगा. मीन्स कि जितना ज़्यादा आपका बड़ा यूनिट होगा उतना न्यूमेरिक वैल्यू कम होगा, और अगर आप यूनिट छोटा लेते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा. एज 1 kilometer इज ग्रेटर देन 1 meter, 1 meter इज ग्रेटर देन 1 centimeter, एंड 1 centimeter इज ग्रेटर देन 1 millimeter. मीन्स कि जब आप यूनिट छोटा करते जाएंगे तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एंड इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज को 2 types में डिवाइड किया गया था. कौन कौन से थे 2 types ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. तो इसी तरह से जो यूनिट्स हैं वो भी 2 type की हैं. एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं और एक जो है वो आपका ड्राइव्ड यूनिट्स है. फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहा जाता है? यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं उनको, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है. तो जैसे कि हमें पता है कि टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 supplementary क्वांटिटीज हैं. तो इनका जो चूजन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दीज फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. तो जो इन 7 fundamental और 2 supplementary क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं उनको जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है. एज पर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपका 7 fundamental क्वांटिटीज हैं और 2 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. तो उनके जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है. यहाँ पर टेबल भी दिया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स का. जैसे कि यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर,
यहाँ पर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम, और यहाँ पर है उसका नेम ऑफ एसआई यूनिट, और यहाँ पर है सिंबल ऑफ एसआई यूनिट कि उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, फर्स्ट आता है आपका मास, और मास का यूनिट आ जाता है किलोग्राम, और इसका सिंबल है के जी, कैपिटल के और स्मॉल जी। ओके, सेकेंड आता है आपके पास लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर, और लेंथ के यूनिट की रिप्रेजेंटेशन है एम। थर्ड आता है आपके पास टाइम, और टाइम का यूनिट है सेकंड, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ वन इज करंट, और करंट का यूनिट है एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडला, और इसको सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसका यूनिट है मोल, और इसका जो आप एम ओ एल इसका सिंबल है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए आप, यहाँ पर दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी दी गई हैं। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, और सॉलिड एंगल का यूनिट जो है वो स्टी रेडियन है, और रेडियन को आर ए डी लिखा जाता है, और स्टी रेडियन को एस आर लिखा जाता है। तो ये जो टेबल है ये है सात फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम और उनके यूनिट्स, प्लस दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो ये बहुत सिंपल है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ट्रैप्ड यूनिट्स, और सॉरी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एंड सिमिलरली द डेफिनेशन विल बी देयर फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज विल बी नेम्ड एज ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे कि स्पीड आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड का यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आपका मीटर अपॉन सेकेंड आता है। तो जो स्पीड का यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड है, तो मीटर अपॉन सेकेंड जो है वो आपका एक ड्राइव्ड यूनिट है। या फिर आपका डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी में आपका मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपको कोई को याद रखने में दिक्कत रहेगी ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। जैसे कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है आपका, तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो है दैट इज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होगा आपका यहाँ से किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होगा आपका यहाँ पे मीटर क्यूब। तो ये जो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब आपका यूनिट आ रहा है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, बिकॉज इट इज कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स का। तो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड मैनी टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट यूनिट, एंड नाउ आई विल नाउ लेट इट मे नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।